दोस्तों यूं तो आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कई सारे सीरियस किरदार निभाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको साल 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके याद है, जो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें हमें इमोशंस के साथ साथ कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिले थे। इस फिल्म में हमें जय वीरू यानी कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी देखने को मिली थी, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 47 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म को उतना ही पसंद किया जाता है जितना पहले किया जाता था। खैर दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म चुपके चुपके से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। 11 अप्रैल साल 1975 को बड़े पर्दे पर रिलीज की गई फिल्म चुपके चुपके को प्रोड्यूस किया था ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। ऋषिकेश मुखर्जी ने जो इस फिल्म से पहले सत्या काम, नमक हराम, आनंद बावर्ची और अभिमान जैसी क्लासिकल फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। ये फिल्म साल 1971 में आई एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी, जो कि उपेंद्र नाथ गांगुली की छश बेशी नामक एक कहानी पर आधारित थी। इसलिए चुपके चुपके फिल्म की स्टोरी तो उपेंद्र नाथ गांगुली की ही मानी जाएगी। बता दें कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले किया था डीएन मुखर्जी, गुलजार और एनसी सिप्पी के साथ ही इस फिल्म के दमदार डायलॉग लिखे गुलजार साहब ने। फिल्म के लीड रोल और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, डेविड अब्राहम, असरानी, ललिता कुमारी, केस्टो मुखर्जी और देव किशन। इस फिल्म में कुल 4 गाने रखे गए थे जिनके बोल थे, अब के साजन सावन में, बागों में कैसे फूल खिलते हैं, चुपके चुपके चल रे पुरवैया और सारे गामा। इन गानों को कंपोज किया सचिन देव बर्मन ने और गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने और इन गानों को अपनी सुरीली आवाज दी लता मंगेशकर, मुकेश किशोर कुमार और मोहम्मद रफीक ने। इस फिल्म के सभी गानों को लाखों लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। अब बात करते हैं इस फिल्म के कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को 9,91,000 के सीमित बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ का कारोबार किया था और वर्ल्ड वाइड में 2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। बता दें कि ये फिल्म साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 18वें स्थान पर रही थी। बात करें साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों की, तो ये 5वें स्थान पर रही थी। फिल्म प्रतिज्ञा 4थे स्थान पर, दीवार 3रे स्थान पर, सन्यासी 2रे स्थान पर, जय संतोषी माँ और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी शोले। बता दें कि चुपके चुपके फिल्म को IMDB वेबसाइट पर 8.3/10 की रेटिंग दी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट की। साल 1971 की फिल्म गुड्डी के निर्माण के दौरान डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उत्तम कुमार अभिनीत फिल्म छज बेशी देखी, तभी से उन्होंने धर्मेंद्र और आशा पारेख को लीड रोल में लेकर चुपके चुपके फिल्म बनाने की ठान ली थी। लेकिन कहते हैं कि बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र के कहने पर शर्मिला टैगोर से आशा पारेख को रिप्लेस कर दिया था। लेकिन रोचक बात यह है कि आशा पारेख धर्मेंद्र से नाराज होने के बजाय ऋषिकेश मुखर्जी से नाराज हो गई थी। इस तरह फिल्म के लीड रोल के लिए धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर को साइन करने के बाद सुकुमार वाले और वसुधा वाले रोल के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने नए कलाकार को लेना चाहते थे, लेकिन अभिमान फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम कर चुकी जया भादुरी और अमिताभ बच्चन ने जब ये सुना कि ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो वो सीधा ऋषिकेश मुखर्जी जी के पास पहुंच गए और ऋषिकेश मुखर्जी से इस फिल्म के लिए कोई रोल देने की पेशकश की, जिस पर ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे कहा कि रोल तो है लेकिन आप दोनों की छवि के मुकाबले काफी छोटा है, जिस पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बोले कि कोई बात नहीं, जैसा भी रोल हो हम करने के लिए तैयार हैं, हमें उसके लिए कोई फीस भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की छवि को देखते हुए बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने सुकुमार और वसुधा के रोल में काफी बढ़ोतरी की थी। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते शूटिंग इतनी सावधानी से की गई कि जया बच्चन की प्रेगनेंसी की खबर किसी को भी नहीं हुई।
दोस्तों अमिताभ बच्चन जलसा नामक जिस बालकनी में हर हफ्ते अपने फैंस को हाय हेलो करते हैं, उसी बंगले में चुपके चुपके फिल्म के गाने चुपके चुपके चल रहे पुरवैया की भी शूटिंग की गई थी। दरअसल वो बंगला उस समय प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी का था, जिसमें एक बार कुछ लोगों द्वारा एनसी सिप्पी के बेटे रेमो सिप्पी की किडनैपिंग की कोशिश की गई थी। तभी से एनसी सिप्पी उस बंगले को बेचना चाह रहे थे, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन ने एनसी सिप्पी से इस बंगले को सत्ते पे सत्ता फिल्म की फीस के तौर पर लिया। इस फिल्म का एक सीन भी उस बंगले में किया गया था। दोस्तों कहा जाता है कि पौराणिक धारावाहिक रामायण के प्रसारण के समय सड़कें ऐसी सूनी हो जाती थी जैसे कि कर्फ्यू लगा हो। जब पिछले साल कोविड फैला था तब भी रामायण को टीवी पर प्रसारित किया गया था ताकि लोग अपने अपने घरों से कम निकलें। अब आप सोच रहे होंगे कि चुपके चुपके फिल्म से इसका क्या लेना देना। दरअसल चुपके चुपके फिल्म की लोकप्रियता भी इसकी रिलीज के समय रामायण धारावाहिक की तरह ही थी, इसलिए साल 1980 में हुए सूर्य ग्रहण के दिन गवर्नमेंट ने इस फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाया था ताकि लोग सूर्य ग्रहण देखने के बजाय घर में बैठकर इस फिल्म को देखें। वेल दोस्तों इस फिल्म से पहले रोमांटिक और एक्शन फिल्म कर चुके धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन दोनों ही चुपके चुपके पहली कॉमेडियन फिल्म थी। कहा जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी अलग तरह के डायरेक्टर थे। दरअसल वह फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले ना तो फिल्म के एक्टर को स्क्रिप्ट सुनाते थे और ना ही फिल्म के सीन शूट करने से पहले सीन की जानकारी देते थे। कहा जाता है कि फिल्म के उस सीन में जिसमें धर्मेंद्र असरानी से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं, उस सीन की शूटिंग से पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी को सूट पहनने के लिए दिया था और धर्मेंद्र को ड्राइवर वाली वर्दी पहनने को दी थी। जब धर्मेंद्र ने ये ड्रेस देखी तो वह कुछ समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने असरानी से पूछा कि माजरा क्या है, मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनना है क्या। धर्मेंद्र की ये बात ऋषि मुखर्जी चेस खेलते वक्त सुन रहे थे, इसलिए वो धर्मेंद्र से बोले कि धर्मेंद्र असरानी से क्यों पूछ रहे हो, उसमें और तुम में इतनी समझ होती तो तुम दोनों आज एक्टर नहीं होते। ऋषिकेश मुखर्जी के इतने कहने पर धर्मेंद्र चुप हो गए, लेकिन तभी वहाँ अमिताभ बच्चन पहुँच गए और वो भी धर्मेंद्र की तरह ही बोल पड़े कि ये ऑफिस का सेट किसके लिए लगाया है और तुम किसके ड्राइवर बने हो। तभी ऋषिकेश मुखर्जी बोले कि अगर तुम में और अमिताभ बच्चन में इतनी समझ होती तो तुम आज एक्टर नहीं डायरेक्टर होते, जिसके बाद धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोले। तो दोस्तों ये थी साल 1975 की फिल्म चुपके चुपके से कुछ जुड़े अननोन फैक्ट। वेल आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।